तो ये डायरेक्शन में आपको कुछ इस तरह, आपको सिंपली आपको बस इस तरह स्लाइड करना है एंड यहाँ पर ये देखिए फिक्स हो जाएगा। ये देखिए सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मैं हूँ ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी। एंड यहाँ पर मेरे पास एक हार्ड डिस्क है जो कि 3.5 इंच का है एंड ये मेरे डेस्कटॉप का इंटरनल हार्ड डिस्क है एंड इसको मैं एक्सटर्नल की तरह यूज़ करना चाहता था, बट मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे यूज़ होगा, क्योंकि मैंने इसको एक लैपटॉप के कनेक्टर से कनेक्ट किया था। बट इसके अंदर आपको मतलब ज़्यादा पावर चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो लैपटॉप के कनेक्टर रहते हैं 5 वॉट के, तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह केस चाहिए रहता है जो कि लाइटेक की तरह से मैंने इसको परचेस किया है। एंड इसको मैंने ऑफलाइन परचेस किया था मार्केट से, तो जिसकी अनबॉक्सिंग पहले हो चुकी है, बट आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे कंटेंट मिलता है एंड आप कैसे अपने जो इंटरनल हार्ड डिस्क है आपके 3.5 इंच के या फिर 2.5 इंच के जो भी इंटरनल हार्ड डिस्क है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए एक्सटर्नल ड्राइव। एंड यहाँ पर देखिए आपको लाइफटेक की ब्रांडिंग मिलती है एंड ये आपको 2 इन 1 मिलता है, मतलब इसमें 2.5 इंच एंड साथ में 3.5 इंच के SSD दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। एंड बात करें इसे फीचर्स वगैरह की, तो यहाँ पर आपको देखिए USB 2.0 कंपेटेबल है एंड इसका जो फॉर्मेटिंग वगैरह है यहाँ पर आपको FAT32 एंड NTFS का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं ना, फिर आपको दिखाते हैं इसमें कॉन्टेंट वगैरह कैसा है। तो यहाँ पर आपको देखिए स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का आपको एक केस मिलता है, ये देखिए, एंड यहाँ पर आपको एक चार्जर ही मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक चार्जर मिलता है एंड इसकी जो रेटिंग वगैरह है यहाँ पर है 12 वॉट 2 एम्पियर का एंड ये मेड इन चाइना है ऑब्वियसली। एंड आपको कुछ इस तरह पोर्ट मिलता है एंड साथ में आपको यहाँ पर कनेक्शन कनेक्शन के लिए वायर मिलता है जो कि है USB Type-A to Type-B। तो यहाँ पर जो टाइप बी है आपके यहाँ पर केस में जाएगा एंड ये जो टाइप ए है ये आपके सीधा लैपटॉप में जाएगा। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ ये इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर इसका जो चार्जर है, ये जो चार्जर है आपको यहाँ पर आपको पिन मिलता है यहाँ पे, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको एक DC पिन मिलता है एंड साथ में USB Type-B का पोर्ट। तो आपको इसको इस तरह इसमें प्लग करना है एंड इसको आपको पावर इन में, तो मैं इसको पावर इन में प्लग करूँगा, ये बाकी यानी पावर ऑन। तो यहाँ पर मैंने हार्ड डिस्क से जो है पावर ऑन कर दिया, बट मैंने यहाँ से इसका पावर अभी तक ऑन नहीं किया है। तो पहले मैं अपना जो हार्ड डिस्क है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये डायरेक्शन में आपको कुछ इस तरह, आपको सिंपली आपको बस इस तरह स्लाइड करना है एंड यहाँ पर ये देखिए फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो ये बहुत ही परफेक्टली इसके अंदर स्लाइड हो गया है एंड हाँ इसके अंदर आपको हल्का सा मोशन मिलेगा हार्ड डिस्क का, ये देखिए हल्का सा, बट आप इसको एज ए एक्सटर्नल आप कहीं टेबल वगैरह पे यूज़ करें तो उतना दिक्कत वगैरह नहीं होने वाला है। एंड आपको इसका जो पोर्ट है टाइप बी का आपको इस तरह कनेक्ट करना है एंड यहाँ से मैं इसको करता हूँ पावर ऑन। तो यहाँ पर मैंने अपने जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो आपको एक्सटर्नल ड्राइव मिल रही है, 265 GB की एंड 199 GB की, ये देख सकते हैं। तो दोनों को मैंने ही मतलब इसको उन्हें फॉर्मेट करके एंड दोनों को दो ड्राइव में कन्वर्ट किया है। हार्ड डिस्क का मेरा टोटल स्पेस वो 500 GB का है। तो इस तरह मैं आपको चलिए एक फाइल ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ कि इसका जो ट्रांसफर का रेट वगैरह है कितना है एंड आपको कितना MBPS मिलता है। तो ये जो फाइल आप देख सकते हैं आप 2.85 GB का है एंड ये MP4 फाइल है सिंगल 4K। तो यहाँ पर मैं अपने जो फाइल है उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ जो कि अराउंड 3 GB का है, 2.85 GB का MP4 फाइल 4K एंड यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट एंड टाइमर करता हूँ स्टार्ट। तो देखिए अराउंड आपको यहाँ पर 32 MBPS स्ट्रीम नजर है, 32-33 MBPS, 34 आपकी अभी यहाँ पर हमें मिल रही है देखिए। एंड ये जो फाइल है अराउंड 2.85 GB की, एंड देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है ट्रांसफ़र होने में, मतलब मेरे इंटरनल से एक्सटर्नल में ट्रांसफ़र होने के लिए।
तो यहाँ पर आपको लगा है 1 मिनट एंड 27 सेकेंड्स, तो यहाँ पर लगा है 1 मिनट एंड 27 सेकेंड्स इसको 3 GB की फाइल ट्रांसफ़र करने में। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जो मैंने अभी कनेक्ट किया है, मैं इसको इसके अंदर फाइल अपने सिस्टम में कॉपी करता हूँ, जिससे आपको कड़े मिल जाएगा कि इसको जो रीड एंड राइट की स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, एंड इसकी जो यहाँ से डेटा रीड की स्पीड है, मतलब हार्ड डिस्क से जो कॉपी हो रहा है मेरे SSD में, काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे। यहाँ पर देखिए अराउंड 38, 35, 37 MB/s का कॉन्स्टेंट स्पीड मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड देखते हैं इस अंदर मुझे कितना टाइम लगता है टोटल फाइल कॉपी करने में। एंड बात करें मेरे ओपिनियन की, जिसमें मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, एंड अगर आप इसको अराउंड अराउंड 1 आवर तक यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा हीट मिलता है, या मतलब थोड़ा हीट हो जाता है, तो यहाँ अगर आपको फ़ैन वगैरह ऑन करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई है, डिस्कनेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं इसको काफ़ी मतलब बैकअप वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ ये वाले हार्ड डिस्क को। एंड इसका जो कनेक्शन वगैरह है काफ़ी सिंपल है, बट इसका जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा है, मतलब अराउंड 800, एंड इसका जो ऑनलाइन प्राइस है अराउंड 900 तक भी रहता है, 900, 950 तक। पुराना हार्ड डिस्क से आपको उसका डेटा वगैरह बैकअप करना है, आपको एज एक्सटर्नल यूज़ करना है, तो आप इसको बहुत ही ईजिली परचेस कर सकते हैं। एंड इसे जो परचेस की लिंक रहेगी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। एंड मैं होप करता हूँ आपका जो छोटी सी वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो लाइक करें, एंड ऐसे कॉन्टेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।